अगर आप भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट 3 या पार्ट 1 के एग्जाम दे चुके हैं, चाहे बीएससी, बीकॉम या बीए किसी भी फैकल्टी से, तो आप लोग को पता है कि रिजल्ट के मामला इतना बड़ा हो गया है कि मामला उच्च न्यायालय तक चला गया। इसी को लेकर सिंडिकेट के बैठक रविवार को बुलाया गया था, तो इस वीडियो में बताएंगे कि सिंडिकेट के बैठक में पार्ट 1 और पार्ट 3 के रिजल्ट को लेकर क्या डिस्कशन किया गया है, साथ ही पार्ट 1 और पार्ट 3 के रिजल्ट कब तक प्रकाशित किया जा सकता है, तमाम जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन की तरफ और देखते हैं नोटिफिकेशन क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंडिकेट सदस्यों ने स्नातक पार्ट 3 के रिजल्ट में प्रकाशन में हो रहे विलम्ब पर जताई नाराजगी। एक बार आपको पढ़ के बताते हैं कि आखिर हुआ क्या, उसके बाद हमको शॉर्टकट में बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एलएनएमयू के सिंडिकेट बैठक रविवार को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में उनके आवासीय कार्यालय के सभा कक्ष में हुई। बैठक में पार्ट 3 के रिजल्ट को हो रहे विलंब को लेकर सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए रिजल्ट को शीघ्र प्रकाशन पर बल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंडिकेट सदस्य सुहित पासवान ने 80,000 छात्रों का भविष्य अंधकार में होने का मामला सदन के पटल पर रखा है, जिसे आगे बढ़ाते हुए सदस्य डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र ने कहा कि न्यायालय में मामला पार्ट 1 का है, पार्ट 3 का रिजल्ट पिछले वेंडर को पर निकालना है, विश्वविद्यालय चाहे तो समाधान किया जा सकता है। आप लोग को बता दे कि जो पार्ट 3 के एग्जाम दिए हैं वह लगभग 80,000 स्टूडेंट है जो इंतजार कर रहे हैं कि पार्ट 3 के रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए ताकि हम अगला सेक्शन में एडमिशन करा पाए। लेकिन जब चाहे तब विश्वविद्यालय पार्ट 3 के रिजल्ट को प्रकाशित कर सकता है, सिर्फ पुराने डाटा सेंटर के साथ समझौता करके। ठीक है, लेकिन विश्वविद्यालय पुराने डाटा सेंटर के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी डाटा सेंटर से समझौता करने जाएंगे, डाटा सेंटर का कहना है कि जो अगला टेंडर का काम है मुझे दिया जाए, तभी हम पार्ट 3 के जो डाटा है हम आपको देंगे और आप रिजल्ट प्रकाशित कर पाएंगे। और यही विश्वविद्यालय नहीं चाहता है कि हम अब उनको कोई काम दे, और इसी को लेकर यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा है उनसे समझौता करने, और पुराने डाटा सेंटर उच्च न्यायालय चला गया है। और जब तक पार्ट 3 के रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाता है तब तक पार्ट 1 के रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहले पार्ट 3 के रिजल्ट प्रकाशित होगा, फिर पार्ट 1 के रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और जो यूनिवर्सिटी है यानी विश्वविद्यालय पूरी तरह से उच्च न्यायालय के फैसला पर रुका हुआ है, उनको उम्मीद है कि उच्च न्यायालय के फैसला जल्द से जल्द आएगा और पार्ट 3 के रिजल्ट प्रकाशन होगा। आप लोग को बता दे कि यह मामला जब उच्च न्यायालय चला गया है तो उच्च न्यायालय में फैसला इतना जल्दी नहीं होता है, कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे यूनिवर्सिटी कहना है कि इस महीना के लास्ट तक पार्ट 3 का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब देखिए क्या होता है, अगर आप लोग एक्टिव है तो आज यूनिवर्सिटी में फिर से महा आंदोलन चलाया जा रहा है पार्ट 1 पार्ट 3 के रिजल्ट को प्रकाशित के लेकर, और बहुत सारे जो काम रुका हुआ है सभी को जल्द से जल्द होने के लिए। तो अगर आप दरभंगा जा सकते हैं तो जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर आज वहां पे आंदोलन कीजिए, तभी आप लोग को पार्ट 3 और पार्ट 1 के रिजल्ट को लेकर कोई सुनवाई किया जाएगा और जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाएगा। इसके लेकर कोई भी अपडेट आता है चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। मिलता है एक नया वीडियो में एक नया अपडेट।